नमस्कार, जय श्री राम। एक निवेदन सभी भारत देशवासियों से करना चाहता हूं कि हमारी ये बात जो है शायद आप सबको अच्छी लगे या ना लगे, इसलिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी हूं कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं। कोई किसी को कमजोर भी ना समझे, कोई धर्म किसी से कमजोर नहीं, कोई पंथ किसी से कमजोर नहीं, कोई मजहब किसी से कमजोर नहीं, कोई मनुष्य किसी से कमजोर नहीं। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो ना हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। लेकिन किसी को दबाव में लाना, किसी को भड़काना, किसी को सताना, ये गलत बातें हैं। और किसी के जाति को गाली देना, किसी के समाज को गाली देना, किसी के मजहब को गाली देना, किसी के धर्म को गाली देना, किसी के ग्रंथ को, किसी के देवी देवताओं के खिलाफ अनाप शनाप जो टिप्पणियां करी जा रही हैं आज के समय पे, सबसे शर्म वाली बातें हैं। और ये करने कराने वाले आज के नेता लोग हैं, नेता जो नेता राजनीति हैं, राजनेता बन के फिर रहे हैं ना। आप सबको बता दूं, ये नेता ना किसी के जाति के हैं, ना किसी के संबंधी हैं, ना किसी के सगे हैं, ना किसी समाज से इनका कोई ताल्लुकात ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपने मतलब, अपने स्वार्थ के लिए ये आप लोगों को लड़ा रहे हैं, हम सबको लड़ा रहे हैं, हम सबको भड़का रहे हैं, हम सबको बागला रहे हैं, सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए। और हमारे देश की ये जनता भी उन्हीं की सुन रही है। अरे भैया, ये तो हमारे समाज के हैं, हमारी बातें कर रहे हैं। अरे भैया, ये हमारे अगले पिछड़े की बातें चल रही है। अरे भैया, ये तो हमारे धर्म की बात है, हमारे मजहब की बात है, हमारे पंथ की बात है। और उनके भड़कावे में मनुष्य भी आ जाता है, जो हमारे आम आदमी हैं, आम व्यक्ति हैं, वो भी आके अनाप शनाप गालियाँ सोशल मीडिया से लेके, यूट्यूब से लेकर या पत्रकारिता से लेकर सभी प्रकार से लगे पड़े हैं। ले धड़ाधड़ चालू कर, यहाँ तक इस देश के प्रधानमंत्री तक को गालियाँ दी जा रही हैं, राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। आप सबको बताऊँ, जो सही कार्य करने वाला है उसके खिलाफ भड़काने की इतनी तगड़ी साजिश रची जा रही है, उसको सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है हमें, ऐसा लगता है हमें कि शायद इस देश में कुछ होने वाला है, शायद इस देश में कुछ ऐसा होगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि आज के समय पे अगर अभी भी कानून व्यवस्था, सरकारें, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी किसी का शासन प्रशासन हो, अगर उन्होंने समय रहते एक्शन नहीं लिया, समय रहते उन्होंने कोई बात नहीं करी, तो मित्रों इस देश में कुछ ऐसा होगा, एक ब्राह्मण का अनुमान बता रहा है, मैं अनुमान बता रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस प्रकार से देश का माहौल बना हुआ है, कुछ ऐसा होगा कि हिल जाएगा, भारत की नींव हिलने लगेगी, प्रतीत होता है, क्योंकि माहौल देख के ऐसा लगता है। राजनेता लोग जिस प्रकार से भड़का रहे हैं, आग लगा रहे हैं, सुलगा रहे हैं, आपस में विद्रोह करा रहे हैं, मानव मानव का दुश्मन बना दिया जा रहा है, मानव मानव को देखना नहीं चाहता, धर्म के नाम पे लड़ा दिया जाता है, मजहब के नाम पे लड़ा दिया जाता है, देवी देवताओं के नाम पे लड़ा दिया जाता है। क्योंकि ये सब करने के बाद ही तो उनको उनकी स्वतंत्रता मिलेगी। सही को सही कहने वाला कोई नहीं रह गया, गलत अफवाहों में सब भटक जा रहे हैं, नेता लोग भी उसमें
तेल छिड़क दे रहे हैं, मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल डाल के ले धड़ाधड़ आगे लगाए जा रहे हैं। और सही चीज अगर कोई देश हित के लिए, जनता के जनहित के लिए, समाज हित के लिए अगर कोई सरकार पेश भी कर रही है तो उसके खिलाफ जो विपक्षी दल हैं ऐसा आग लगा दे रहे हैं जनता के विरुद्ध, ये तुम्हारे जाति के खिलाफ है, ये तुम्हारे धर्म के खिलाफ है, ये तुम्हारे इसके खिलाफ है, ये मजहब के खिलाफ है, ये पंथ के खिलाफ है, इससे तो तुम्हारा नागरिकता चली जाएगी, इससे तो तुम्हें भूखा मर जाएगा, इस चीज के आ जाने से तुम्हारी नौकरियां चली जाएंगी, तुम्हारे बच्चे भगा दिए जाएंगे, तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, ऐसी तमाम अफवाहें विपक्षी दल भर दे रहे हैं जनता के बीच में। और फिर आंदोलन चालू हो जाता है, कहीं चक्का जाम हो गया, कहीं रैली हो गई, कहीं रोड जाम हो गया, कहीं ट्रेनें उखाड़ दी जा रही हैं, कहीं ट्रेनें जला दी जा रही है, कहीं किसी को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी को सताया जा रहा है, कहीं न्यूज वालों को मार के भगाया जा रहा है। क्यों? अगर न्यूज वाला कोई सही बोल दिया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो न्यूज वाले को भैया जाओ तुम तो फलाने दल के हो, तुम तो ढकाने दल के हो, तुम तो इनकी बातें करते हो। और वहीं पे किसी जाति को टारगेट उसी रैली में कर दिया जाता है, किसी मजहब को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के ग्रंथों पे टारगेट कर दिया जाता है। बस उससे क्या होता है कि तुरंत ही पक्ष विपक्ष हो जाता है, एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष की लड़ाई चालू हो जाती है। ये समझने की बातें हैं, आम जनता को समझने की बातें हैं कि जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए कोई समाज नहीं है। ये राजनीति जो चले, राजनीति आज के समय पे राजनीति नहीं चल रही है, राढ़नीति, राढ़ की नीति चल रही है, लड़ाई की नीति चल रही है। कैसे करके कल बल छल लगा के हम उस कुर्सी के ऊपर बैठे, उस सत्ता को हासिल करें, यही कार्य आज का नेता कर रहा है। चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो बड़े वाला नेता हो, चाहे कोई नेता हो, इस समय वो यही हरकत कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, मानव मानव का दुश्मन हो जा रहा है, एक जाति दूसरे जाति के प्रति ईर्ष्या भरी जा रही है, एक समाज दूसरे समाज के प्रति ईर्ष्या भरा जा रहा है, लड़ाइयों का, गालियों का, अनाप शनाप बुराइयों का भंडार भरा जा रहा है। और इतना भंडार भरा जा रहा है कि भंडार को भरने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, अब जगह नहीं रह गया है, अब वो ऊपर बह रहा है और बह के प्रलय की स्थिति आने वाली है। समाज समाज लड़ जाएगा, धर्म धर्म, मजहब मजहब से लड़ाई कर दी जाएगी, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाएगा, मानव मानव का दुश्मन बन जाएगा भारत देश में। अगर यही स्थिति रही, यही राजनीति रही, यही नेताओं की रणनीति रही तो ऐसा होगा और जरूर होगा, सबके मन की होगी, हर एक समाज के मन का होगा, हर एक मानव के मन का होगा, हर एक जाति के मन का होगा, हर एक धर्म के, हर एक मजहब, हर एक पंथ के मन की पूरी हो जाएगी अगर यही रवैया रहा, यही स्थिति रही अगर इस देश में रहने वालों की, तो जल्दी से जल्दी उनके मनों का कामना पूर्ण होगा। एक ब्राह्मण का वचन है।